नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। डीके शिवकुमार, विजेंद्र और कुमार स्वामी पर चला चुनाव आयोग का चाबुक, एफआईआर दर्ज। जेडीएस के भाजपा में विलय की अटकलों पर कुमार स्वामी ने तोड़ी छुट्टी, कांग्रेस पर किया पलटवार। कर्नाटक में बेटियों पर हमला हो रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ बरसे नरेंद्र मोदी। रांची एयरपोर्ट पहुंची सुनीता केजरीवाल, इंडिया ब्लॉक की उलगुलाना रैली में लेंगी भाग। बीजेपी का हिंदू वर्ष महोत्सव कार्यक्रम शुरू, 51,000 लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता अमित मालविया पर दर्ज की एफआईआर, सीएम ममता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 पर जुटने लगे आप कार्यकर्ता, केजरीवाल को इंसुलिन न देने का करेंगे विरोध। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई को बनाया आरोपी। कर्नाटक चेन्नई में संदिग्ध ड्रग तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अनिल टुटेजा को किया गिरफ्तार। जेएंडके के पीछे में सुरक्षा बलों ने सरकार कर्मचारी के घर से बरामद किए हथियार और गोला बारूद, गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल। केजरीवाल की हत्या की हो रही साजिश, शुगर होने के बावजूद जेल में नहीं दे रहे इंसुलिन आप। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए 11 लाख से ज्यादा लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। पटना तेजस्वी चुनाव प्रचार पर रवाना होने से पहले आरजेडी कार्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहमदाबाद पश्चिम रेलवे साबरमती और सुल्तानपुर के बीच चलाएगा स्पेशल ट्रेन। भाजपा अध्यक्ष आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान झालवाड़ा में वैन और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। समुद्र में क्रैश हुए जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के 2 हेलीकॉप्टर, 7 लोग लापता। आज छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 21 अप्रैल को असम के करीमगंज पहुंचेंगे। रांची में आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली, बीजेपी ने बताया विकास विरोधी लोगों का जमावाड़ा। मुरादाबाद से बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।